हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं खास ब्यूटी टिप्स। खास ब्यूटी टिप्स में आज मैं आपको राइस एंटी एजिंग फेस मास्क बनाना सिखाऊंगी, जिसके हेल्प से आप अपने स्किन की हर प्रकार की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि एक्ने, पिंपल्स, इन्फ्लेमेशन एक्सेट्रा। क्योंकि राइस में विटामिन ई और डी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि सेल जनरेशन होता है और एजिंग के प्रोसेस को ये स्लो करता है। इसलिए आप यंगर भी दिखेंगी और आपकी स्किन भी टाइट हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, आपको बॉइल्ड राइस लेने हैं, मिल्क लेना है और हनी लेना है, क्योंकि हनी आपको पिंपल्स, एक्ने और इन्फ्लेमेशन से छुटकारा दिला सकता है। अब आप बॉइल्ड राइस में जो आपने 1 से 1.5 चम्मच लिए हैं, इसमें 2 से 2.5 चम्मच मिल्क की मिलाएंगी। इसको अच्छी तरह से मिलाना है, इस तरह से मिला लेना है कि एक पेस्ट की तरह ही बन जाए और आप आसानी से अप्लाई कर सको। ये देखिए, धीरे धीरे ये पेस्ट की तरह बन जाएगा। अब इसमें आपको शहद मिलाना है। देखिए, शहद हर एक की स्किन को सूट नहीं करता है, इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप शहद तब लें जब आपको शहद सूट करता हो, और अगर आपको शहद सूट नहीं करता है तो आप इसमें 2-4 ड्रॉप्स लैम की भी डाल सकती हैं। देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा शहद डालूंगी। अगर आपको शहद सूट करता है, अगर आपने पहले यूज़ करके देख रखा है, तो आप शहद की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज आप देखिए इतना सा 1 या 2 ड्रॉप लेंगी, और अगर आपको शहद बिल्कुल भी सूट नहीं करता है तो आप 2-3 बूंद लैम की इसमें डाल देंगी। इसलिए पहले अपने स्किन के दूसरे हिस्से पर टेस्ट कर देख लें। अगर आपको शहद सूट नहीं करता होगा तो आपको जलन महसूस होगी। फेस बनाने के बाद आप इस तरह से अपने फेस और नेक पर अप्लाई कर सकती हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से अपने फेस और नेक पर अप्लाई कर लें। ये जो फेस मास्क है, ये लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सूटेबल है। मतलब कि आप भी यूज़ कर सकती हैं, आपके हस्बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों के लिए सेम रूप से इफेक्टिव रहेगा। अच्छी तरह से अपने आई एरिया के आसपास लगाएं, थोड़ी सी आईज को बचाकर आपको इसे लगाना है। ये देखिए, आप भी यूज कर सकते हैं, जेंट्स भी और लेडीज भी दोनों इसको यूज कर सकती हैं। 20 से 25 मिनट इसे कम से कम ऐसे लगा रहने दें। उसके बाद जो आपने राइस बॉयल किए थे और जो आपके पास एक्स्ट्रा वाटर है, उसको भी आप वेस्ट नहीं करेंगी। उसके हेल्प से आप इस तरह अब इस मास्क को रिमूव करेंगी। 20-25 मिनट हो गए हैं, तो आप इस तरह से जो आपका राइस का जो वाटर है, इससे मास्क को रिमूव करेंगी। रिमूव करने के बाद ठंडे पानी से फेस को धोएंगी। याद रखें, ठंडे पानी से फेस को धोएंगी, क्योंकि ठंडा पानी होता है जो वो रोम चित्र को कस देता है। अब गुलाब जल लगा लेंगे। अब हम थोड़ा सा गुलाब जल लगाएंगे, ये टोनिंग का काम करेगा। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो आप स्किन को मॉइस्चराइज कर लें, अदरवाइज आप ऐसे रहने दें। रेगुलर यूज अगर आप इस मास्क का करेंगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर इसका इस्तेमाल करना है, और आप रिजल्ट देखकर खुद सरप्राइज हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।